काला खिजाब लगाना कैसा है, और जो इमाम बाल या दाढ़ी में काला खिजाब लगाए उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला खिजाब सिर्फ मुजाहिदीन के लिए जायज है, बकिया किसी के लिए भी काला खिजाब शरण नाजायज और हराम है, वो इमाम हो या मुक्तदी हो। अगर इमाम काला खिजाब लगाता है तो उसे चाहिए, उस पर ज़रूरी है कि वो तौबा करे, ऐलानिया तौबा करे, उसके बाद ही नमाज पढ़ाए। वरना अगर काला खिजाब लगा के वो नमाज पढ़ाता है तो तमाम नमाजें वाजिब अदा रहेंगी, नमाजें दोहराई जाएंगी।